बाजार से लाकर पिज्जा खाना भूल जाएंगे। अगर आप इस तरह से अपने घर में ब्रेड पिज्जा बनाएंगे, बच्चों का फेवरेट ब्रेड पिज्जा। आज मैं आपके साथ ब्रेड पिज्जा की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसे बच्चे बड़े हर किसी को पसंद आता है। तो ब्रेड पिज्जा बनाने के लिए यहाँ हम 4 ब्रेड के स्लाइस लिए हैं और यहाँ हम कुछ सब्जियाँ लिए हैं। ये प्याज है, टमाटर है और शिमला मिर्च है। एक बाउल में सारे सब्जियों को डाल देंगे। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, थोड़ा सा काली मिर्च डालेंगे और इन सबको मिक्स कर लेते हैं। और अब इसमें हम लगाएंगे टमाटो केचप। आप चाहे तो इसमें पिज्ज़ा सॉस भी लगा सकते हैं। टमाटो केचप से भी पिज़्ज़ा बहुत अच्छा बनता है। तो इस तरह से सारे ब्रेड में हम केचप को लगा लेंगे। चारों ब्रेड में केचप लगा लिए हैं और ये जो सब्जियां हमने काट कर रखे हैं उसे इस तरह से हम अच्छी तरह से ब्रेड के ऊपर फैला लेंगे। सारी सब्जियों को अच्छी तरह से ब्रेड पे रख दिए हैं और अब इसके ऊपर हम ग्रेट करेंगे चीज। तो इस तरह से भर भर के एकदम अच्छी तरह से हमें चीज डालना है। तो चीज़ को हमने ब्रेड के ऊपर अच्छी तरह से ग्रेट कर लिया है और अब इसके ऊपर हम डालेंगे पिज्ज़ा सीजनिंग। थोड़ा सा डालेंगे ऑर्गेनो। तो चलिए अब चलते हैं गैस की ओर। गैस पे पैन चढ़ा दिए हैं और अब इसमें हम डालेंगे बटर। और बटर को हम चारों तरफ अच्छी तरह से फैला लेते हैं। गैस का फ्लेम हम लो ही रखेंगे और अब इसे इस तरह से हम रख देते हैं। और इसे हम कवर कर देते हैं, ढक्कन हटाकर हम देख लेते हैं। ये देखिए, ये है हमारा ब्रेड पिज्ज़ा, कितना अच्छा बना है। तो इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं और बहुत जल्द बनने वाला बच्चों का फेवरेट, जब मन करे तब बनाकर आप इसे बच्चों को दे सकते हैं। ये हमारा ब्रेड पिज़्ज़ा बनके तैयार है। ये बहुत ही जल्द बन जाता है। तो आप भी इस तरीके से ब्रेड पिज़्ज़ा बनाइए, खाइए, इंजॉय कीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।